वेलकम व्यूअर्स, और बात करने वाला हूँ मैं IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों मेरे पास बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, क्या हो सकता है इसके अंदर, ये स्टॉक बढ़ता क्यों नहीं है, कब तक बढ़ेगा, कितना जा सकता है, इसका टारगेट मैंने 250 किस लॉजिक की वजह से लिखा है, क्या ये स्टॉक आप लोगों को करोड़पति बना सकता है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मैं सही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। और दोस्तों 90% मैं कह सकता हूँ जो मैंने बोला है वो हुआ है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करके तभी वीडियो बनाता हूँ। तो 250 टारगेट लिखा है, आ जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों आएगा वो लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं दोस्तों, सो फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। इसके अंदर मैं लाइव मार्केट के सिग्नल, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन, जीरो टू हीरो, ये सब भी शेयर करने लग गया हूँ। सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। पहली चीज़ दोस्तों, जो सिर्फ न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं न्यूज़ वाले वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, सो आप लोग कोई और वीडियो भी देख सकते हो। बट जो लॉजिक समझना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है लगभग 21 रुपये पे, आपको समझना है, पैसे लगे हैं तो दोस्तों जानकारी रखो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी है, काम ही आएगी। बट इसके अंदर सरप्राइजिंग क्या है, सबसे बड़ा इसका जो प्राइस बैंड है दोस्तों 20% का है। गिरावट हुई तो 20% गिरावट होगी, भागा तो 20% की स्पीड से भागेगा, हाथ नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, हाथ नहीं आएगा कह रहा हूँ मैं, मीन्स एक बार अगर इसने रफ्तार पकड़ी तो फिर 20 20 20 दो चार दिन के अंदर 50% भाग जाएगा ये। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है इसके लिए, पर्टिकुलर वॉल्यूम की दृष्टि से देखें दोस्तों, सो वॉल्यूम के अंदर ठीक ठाक इंप्रूवमेंट दिख रही है, लगभग 57% की डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों, सो जो कि 50% से ऊपर है, बहुत अच्छी है। अब दोस्तों वीडियो भगाना मत, ध्यान समझना, पहली चीज़ तो देखो इसके फाइनेंशियल, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। पर्टिकुलर कंपनी से और क्या देखना होता है फाइनेंशियल के अंदर, यही तो देखना होता है, क्या उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसका ट्रेंड सीधे सीधे आपकी ओर दिख रहा है, चाहे वो रेवेन्यू की दृष्टि से हो, चाहे वो प्रॉफिट की दृष्टि से हो, तब भी स्टॉक नहीं बढ़ रहा, वो लॉजिक बताऊंगा। दूसरा देखा जाता है दोस्तों, स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है वो सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है या महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लॉजिक समझना। पहले मैंने आपको फाइनेंशियल बताया, अब मैं वैल्यूएशन बता रहा हूँ पर्टिकुलर प्राइस की। तो जो सेक्टर का पी चल रहा है दोस्तों, वो 21+ का है, और इसका जो पी रेशियो है वो 4.59 का है, तो यहाँ भी ये स्टॉक ओके कैटेगरी में आता है। बात करें दोस्तों कुछ भी देख लीजिए, इसका सेक्टर पी भी देख लीजिए, 2.27 है, यहाँ पर 1% से भी नीचे है, तो यहाँ भी ये सस्ता ही दिख रहा है जो पर्टिकुलर अभी प्राइस पे स्टॉक खड़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, सो प्रमोटर के पास 85% से ऊपर के स्टॉक है, तो आप समझ रहे हो यहाँ भी ये मजबूत है। FIIs के पास भी है, DIIs के पास भी है, और पब्लिक के पास होना तो स्वाभाविक है। IPO आया था 26 रुपये का, तब से लोग बेचने की तलाश में हैं, कुछ बेच ही नहीं पाए आज तक, सब एवरेज पे एवरेज करे जा रहे हैं, मौका ही नहीं मिल रहा एग्जिट करने का। ठीक है, बट फैक्टर देखिए, मैंने आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखाए, वैल्यूएशन दिखाया, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया, तीनों स्ट्रॉन्ग है। सो जो इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट होती है दोस्तों, ये फुलफिल करता है सारी कंडीशन, सब जगह ये ग्रीन टिक करता है। साथ साथ कम्युनिटी सेंटीमेंट 92+% कह रहे हैं दोस्तों बाय करो इसको। दूसरे उसमें जाएं तो वहां पर 100% एनालिसिस बोल रहे हैं भैया इसको बाय करो। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, वीडियो पूरा देखो तब समझ में आएगा। मैंने फाइनेंशियल पूरा बैकग्राउंड बता दिया कैसा चल रहा है, चारों तरफ से हमें सिर्फ और सिर्फ बाय के सिग्नल मिल रहे हैं। ये फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, चाहे एनालिस्ट की रेटिंग बोलो, चाहे फोरकास्ट बोलो, चाहे कम्युनिटी सेंटीमेंट बोलो, चारों तरफ से अभी तक बाय दिखा है। टेक्निकल क्या कहता है दोस्तों, टेक्निकल में अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं इसका, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, सो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, उसका ये ब्रेकआउट कर चुका है वीकली चार्ट के अंदर ब्रेकआउट दोस्तों। सो डेली से 15 मिनट से 1 घंटे से सबसे बड़ा ब्रेकआउट बोल सकते हो आप इसको, इसके बाद तो फिर मंथली ब्रेकआउट होगा। तो आपको समझना है, जो ये इतना लंबा ट्रेंड चला आ रहा है उसका ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो टेक्निकल भी यही बोल रहा है कि इसको बाय करना चाहिए। पॉइंट समझना, मैं कंक्लूड करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है चुटकी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिख गया आपको, ये डेली चार्ट है दोस्तों, इसके अंदर भी देखिए आप, देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे ये सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है, आपको समझना है। इसको पोल वाला भी ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा ब्रेकआउट दे दे तो बात की बात है, बट फिलहाल अभी ये क्या पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो भी ये हाई बना रहा है, लो बना रहा है, फिर अगला हाई इस पर्टिकुलर हाई से ऊपर बना रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पैटर्न ही बता रहा है कि स्टॉक एनी हाउ ऊपर ही जा रहा है। और जब तक इस पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं होता, 20 रुपये 25 पैसे से नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक इस स्टॉक के अंदर खतरा है ही नहीं दोस्तों, तब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही माना जाएगा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है टेक्निकल एनालिसिस पे। अब थोड़ा सा ज्ञान, ये 18 तारीख का दोस्तों पत्राचार है, इन्होंने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कह रहे हो, जो कॉल है उसकी डिटेल्स के अंदर शेयर करी है, बहुत लेंथी है दोस्तों, मैं पूरा पढ़ूंगा तो समझ लो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बट मैं समरी बताया था, मेन पॉइंट। पहला पॉइंट तो दोस्तों इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेलवे के जो इनके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम करते हैं ये लोग, ये सब बताया गया कॉल पे। इन्होंने बताया भैया हमारे पास NPA है ही नहीं, ठीक है, हमारे जो भी लोन है वो सब सिक्योर हैं, अच्छे खासे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो ही रहा है हमें।
ठीक है, तो कहीं भी मुझे कोई निगेटिविटी नहीं दिखी पर्टिकुलर कॉल के अंदर, मैंने पूरा देखा दोस्तों, ठीक है। बट उसके अंदर बुलेट पॉइंट क्या दिखा मुझे, बुलेट पॉइंट उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आपकी जो शेयर होल्डिंग है 85% के ऊपर, क्या उसको आप 75% करोगे आने वाले टाइम में? तो उसमें ये बोला गया दोस्तों कि कर सकते हैं, बट इस साल तो नहीं बोला, जो मेरे को समझ में आया। आप लोग भी गो थ्रू करना, इसकी वेबसाइट है, पब्लिक डोमेन पे है, तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। सो इस साल नहीं हो रहा, बट आने वाले टाइम में ये करने वाले हैं, ऐसा मुझे हिंट लगता है। आने वाले टाइम में मीन्स अगले साल कर सकते हैं, यार अभी फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लगी, फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट आई है मैंने पूरा रीड करा है, सबकी तरफ से मुझे चारों तरफ से मजबूत दिखा, जो भी कॉल हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा, उस पर आते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा लॉजिक है, देखो स्टॉक का प्राइस बढ़ाने घटाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हैवी बाइंग होनी चाहिए और फिर हैवी सेलिंग होनी चाहिए, तभी तो स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा फ्लैक्चुएट कर पाता है। बट अगर आप देखते हो मार्केट के अंदर, यार 86% से ऊपर तो प्रमोटर के पास है, आपको समझना है, मोटा मोटा 14% स्टॉक बाहर है, 14% पूरे कह सकते हो एक तरफा तो नहीं बाय कर रहे सब लोग जो स्टॉक का प्राइस भागे, आपको समझना है। तो 14% में से बड़े प्लेयर होंगे, वो कुछ सेल करते रहेंगे जैसे बढ़ता होगा, ये मोटा मोटा लॉजिक है। तो आपको समझना है कि जब ये परसेंटेज 86 वाली लगभग 75% होगी, और वो हो सकती है, मैंने जो प्रेजेंटेशन बताई है आप लोग पढ़ भी सकते हैं, उसके अंदर कोई मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये बोला गया है, पूरा पढ़ लेना या डिटेल में, मेरे व्यू गलत भी हो सकता है, आप लोग अपना तसल्ली कर लेना, ठीक है। तो जब 25% फ्री कह लो या कोई दूसरा इन्वेस्टर उसके अंदर शेयर होल्डिंग ले लेगा, बाय करता है, तब दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम आएगा, एक नाम भी जुड़ेगा इसके साथ, तब ये स्टॉक भागेगा। तो मेरे हिसाब से ये लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, और क्लियर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक मीन्स रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, उसके अंदर कुछ और भी हो सकते हैं, बट ये लोग भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, टस से मस समझ रहे हो। जून 2021 में 9% से ऊपर थे, जून 2022 में भी 9% से ऊपर हैं। तो यार मार्केट का जो ट्रेंड बोलते हैं, क्या करता है मार्केट, ज़्यादा लोगों को नुकसान करता है, कम लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, ज़्यादातर तो यही होता है मार्केट के अंदर। बट अभी तक इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर आपको दिख रहा है कि पब्लिक वाले भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे दोस्तों। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि रिटेल वाला स्टॉक पकड़ के बैठा हुआ है, वो सोच के बैठा हुआ है, भैया फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये प्रॉफिट नहीं देगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो एक लॉजिक यहाँ पर भी आता है, ठीक है, एक तो 86% वहाँ पर है, दूसरा रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन कह सकते हो बना के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। थर्ड लॉजिक है दोस्तों, ये लोग जो अपना कह सकते हो 75% होल्डिंग करेंगे, या रेलवे के अलावा कोई और फील्ड के अंदर भी फाइनेंसिंग शुरू करने वाले हैं या कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आने वाले टाइम में। तो दोस्तों अगले 2 साल ये मान के चलिए, 2 साल ये स्टॉक ऐसा भी रह जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2024 एंड तक, फाइनेंशियल ईयर 2024 31 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक मुझे इसका प्राइस दोस्तों 250 तो मैंने लिखा है कि भैया आप लोग देखो इस वीडियो को, इस वजह से लिखा है, बट कम से कम भी तो 100 नहीं तो 70-80 टच कर जाएगा, जो मेरा व्यू है इसके अंदर। जितने लोग सहमत हो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात और, ये जो 20 रुपये का लेवल है दोस्तों, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक इसके अंदर खतरा नहीं है, जितना नीचे आए उतना आप खरीद सकते हो, क्योंकि तब तक ये अप ट्रेंड में ही माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये लॉजिक भी क्लियर हो गया, खतरा है ही नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल, टेक्निकल सारे दिखा दिए दोस्तों। सो बस टाइम देना पड़ेगा, टाइम इज़ मनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।